बहुजन क्रांति मोर्चा कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय व्यापी ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा झुंझुनू जिले में पहुंचने पर यहां के लोगों ने परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया। परिवर्तन कार्यक्रम में वक्ताओं ने वर्तमान सामाजिक राजनीतिक व ईवीएम पर जमकर प्रहार किया तथा लोगों को बताया कि किस तरह ईवीएम से छेड़छाड़ कर वर्तमान सरकार ने चुनाव जीता। वामन मेश्राम ने कहा कि कांग्रेस में बीजेपी एक दूसरे के मुसेरे भाई है जो आपस में समझौता कर देश की 100 करोड़ जनता के साथ धोखा करते हैं। ईवीएम मशीनों में बड़ा घोटाला हुआ है जिसका भंडाफोड़ करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। देश का गरीब मजदूर बेरोजगार व किसान वर्ग आत्महत्या कर रहा है। माल्या जैसे लोग बैंकों का करोड़ों रुपए लेकर विदेश भाग जाते हैं, इनका बाल भी बाका नहीं होता। वर्तमान केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ किए जाने का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं किया गया। देश का अन्नदाता मरे या नहीं, इससे भारत के प्रधानमंत्री की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।